स्टोन एज नहीं लिखवाया है ना, स्टोन एज लिखवा नहीं लिखवाया था। ओके, तो पहले हम स्टोन एज लिख लेते हैं आज, फिर हम आज पैलोलिथिक पीरियड करेंगे। ठीक है, तो स्टोन एज डिक्टेट करवा देती हूँ, वो लिख लो। The Stone Age is the prehistoric period. The Stone Age is the prehistoric period. That is the period. That is the period before the development of the script. That is the period before the development of the script. Therefore, the main source of information for this period, क्या होगा main source? Main source of information for this period. इज द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रीलिम्स में ऑप्शन दे देगा वो, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, कॉइनेज, या किसी बुक का नाम दे देगा, लिटरेरी सोर्सेस फॉर एग्जांपल, इंस्क्रिप्शंस बोल देगा कि आइडेंटिफाई करो इन चारों में से मेन सोर्स जो है इंफॉर्मेशन का स्टोन एज का, वो क्या है? दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। ठीक है, क्योंकि कोई भी लिटरेरी सोर्सेज, इवन कोई भी इंस्क्रिप्शन जैसी चीज़ या कॉइन एज भी हमें इस पीरियड से नहीं मिली है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द स्टोन एज इज डिवाइडेड इंटू थ्री पीरियड्स। The Stone Age is divided into three periods. That is the Paleolithic Age, then we have Mesolithic Age, and then we have Neolithic Age. This era is marked by the use of tools. This era is marked by the use of tools by our early human ancestors. This era is marked by the use of tools by our early human ancestors. So this was the era during which for this first time tools were made and used. इससे पहले कोई भी ऐसा एविडेंस हमें नहीं मिला है जो टूल्स के यूज़ को सिग्निफाई करे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो पॉइंट, द पीरियड विटनेस्ड द इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। द पीरियड विटनेस्ड द इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हंटिंग and food gathering to food production. तो पहले जो मैन सिर्फ hunting और food gathering पर dependent था, अब वो farming and food production करने लगा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे JKSS भी पूछ सकती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे अब 2022 में बहुत मुश्किल पेपर आया था, हो सकता है नेक्स्ट ईयर उससे कम मुश्किल आए, और पर ये भी हो सकता है उसके नेक्स्ट ईयर डबल मुश्किल आ जाए। तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, तो ना आप इजी पॉइंट्स छोड़ो ना मुश्किल छोड़ो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम मुश्किल कर लेते हैं और
बेसिक चीज़ें स्किप कर देते हैं और वही बेसिक चीज़ें पेपर में आती है। और हमें क्योंकि जब पिछले साल जो पेपर था उसमें बड़ी बेसिक चीज़ें आई थी साइंस की, जैसे मायोपिया वगैरह, वो क्या होता है, बहुत बेसिक साइंस आई थी। और बच्चों ने क्या किया था, मेरी बात भी हुई, मेरे भी किसी फ्रेंड्स ने दिया था बहुत, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊपर से साइंस पढ़ी मुश्किल वाली, AI टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो बेसिक चीज़ें वो स्किप कर गए और वही बेसिक चीज़ें पेपर में आई। तो बेसिक चीज़ें भी मत स्किप करो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, रॉबर्ट ब्रूस फूटे इज द आर्कियोलॉजिस्ट। रॉबर्ट ब्रूस फूटे इज द आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलोलिथिक। रॉबर्ट ब्रूस फूटे इज द आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया, जिसका नाम था द पल्लवरम हैंड एक्स। ओके, ही वॉज द फर्स्ट वन, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलोलिथिक टूल, दैट इज द पल्लवरम हैंड एक्स इन इंडिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने आपको करवाना है मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स, वो लिखवाना है, राइट? तो हेडिंग डाल दो, मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स। खराब हो गया है डस्टर। ठीक है, लिखो, दो मेथड्स हैं। पहला लिखो स्टोन ऑन स्टोन, स्टोन ऑन स्टोन। ऑन वन हैंड पेबल फ्रॉम विच टूल, ऑन वन हैंड पेबल फ्रॉम विच टूल वॉज टू बी मेड, ऑन वन हैंड पेबल जिससे टूल बनाना है वो बन जाएगा हमारा कोर पार्ट। पेबल From which tool was to be made, that is the core part was placed. इसको हम core part बोलते हैं क्योंकि इसी pebble से tool बनेगा। यहाँ तक लिख लिया। And in another hand, another stone, और जो दूसरा होगा another stone was used as a hammer. Okay. And another hand, the another stone was used as a hammer to strike off the flakes. To strike off the flakes from the first. To strike off the flakes from the first till the required shape was obtained. ये आपकी 7th या 8th क्लास के NCERT में है ये टॉपिक, ठीक है, क्लियर है? कैसे होता है ये वाला मेथड? ऑप्टेन टिल द रिक्वायर्ड, तब तक घिसा जाता था जब तक जो रिक्वायर्ड शेप थी वो नहीं मिलती, ठीक है। हम वो लिख रहे हैं मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स का ना, मैं लिखवा रही हूँ, एक मेथड लिखवा दी, दूसरा लिखवाने लगी, एक आप लिख लेना बाद में, ठीक है। सेकेंड मेथड लिखो प्रेशर फ्लेकिंग, प्रेशर फ्लेकिंग।
in this method the core pebble was placed on a firm surface. अब यहाँ पे जो कोर पेबल है मतलब वो पेबल जिसे हमने टूल बनाना है. इन दिस मेथड द कोर पेबल वॉज प्लेस्ड ऑन ए फर्म सरफेस. इसको हम हाथ में नहीं एक फर्म सरफेस पे रखते हैं. जैसे मैंने इस पे रखा फिर इसको मारा. ठीक है यहाँ तक लिख लिया. देन द हैमर स्टोन वॉज यूज्ड और प्लेस्ड ऑन द कोर देन द हैमर स्टोन वॉज यूज्ड. या तो उसको दबाया जाता था कोर को दूसरे स्टोन से यूज करके या तो फ्लिक से जैसे हमने हाथ से किया था वैसे किया जाता था. वॉज यूज्ड टू रिमूव फ्लेक्स टू रिमूव द फ्लेक्स प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव द फ्लेक्स टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेंड. ठीक है ओके. उसके बाद एक और पॉइंट है इसमें दैट वी हैव एविडेंस ऑफ यूज ऑफ फायर फ्रॉम दिस पीरियड. हमें ये पता है कि इस पीरियड के दौरान जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो फायर का यूज कर रहे थे. और वो हमें कैसे पता है? बिकॉज कर्नूल केव्स इज अ पीरियड फ्रॉम विच द रिमेन्स कर्नूल केव्स इज अ प्लेस जहाँ से इस पीरियड के रिमेन्स मिले हैं. उन और उन रिमेन्स में हमें ऐशेस भी मिले हैं. और अगर ऐश है तो इसका मतलब फायर का यूज़ किया गया था. ठीक है तो ये भी लिख लो दैट ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड फ्रॉम दिस पीरियड. ट्रेसेस ऑफ ऐश have been found from this period. As evident in Kurnool caves. ओके क्लियर है यहाँ तक? तो हम पढ़ेंगे डिवीजन. अलग अलग बुक्स में ना बहुत बार अलग अलग डेट्स दी जाती हैं पर हमें इंडिया के अकॉर्डिंग डेट्स लर्न करनी है. अगर आप वर्ल्ड वाइड ओवरऑल देखोगे तो पीरियड्स की डेट अलग आएंगी इस पीरियड की स्टोन एज की. तो हमें इंडिया के हिसाब से करनी है. तो एक बार आप बुक्स भी देख लेना और जो मैं डेट्स लिखवा रही हूँ वो भी लिख लेना. ठीक है सो पैलोलिथिक एज हमारी सबसे पहली एज है स्टोन एज पीरियड की जिसकी अगर हम डेट्स की बात करें इट लास्टेड फ्रॉम 6 lakh BCE टू 10,000 BCE. ठीक है अगर ये हमारे इंडिया के हिसाब से डेट्स है जो हमें यहाँ पे एविडेंट हुआ है और हमें यही डेट्स रिमेंबर करनी है. कई जगहों पे 5 भी लिखा होता है कई जगहों पे 8 लिखा होगा. बहुत बार हम पढ़ते हैं कि 8,000 BCE तक पैलोलिथिक एज के एविडेंस पाए गए हैं. तो ये कुछ डेट्स हैं जो अप्रॉक्सीमेटली हमें पता है बट एग्जैक्ट अभी तक किसी को हर जगह अलग अलग आपको मिलेंगी. ठीक है तो पैलोलिथिक एज इज़ दी फर्स्ट पीरियड और आज हम पैलोलिथिक एज शुरू करेंगे. पैलोलिथिक के बाद आता है आपका मेसोलिथिक.
ठीक है, दैट लास्टेड फ्रॉम 10,000 BCE टू 6,000 BCE. ओके, मेसोलिथिक इज द अनदर एज विच स्टार्टेड आफ्टर पैलोलिथिक एज एंड लास्टेड फ्रॉम 10,000 टू 6,000 BCE. देन वी हैव नियोलिथिक, दैट इज द न्यू स्टोन एज विच लास्टेड फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, दैट इज 6,000 BCE. ओके, सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द स्टोन एज पीरियड विच वॉज विच विटनेस ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम लाइन्स. ओके, ये लिख लिया सबने. अब हम पैलोलिथिक एज शुरू करेंगे. ठीक है, तो पैलोलिथिक एज इज द अर्लीएस्ट स्टोन एज और इसलिए इसको ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है, बिकॉज इट वॉज द अर्लीएस्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज एज विटनेस्ड बाय आर एंसेस्टर्स. ठीक है, तो पैलोलिथिक एज की अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा 6,00,000 to 10,000 BCE. ठीक है, और उसके बाद इस दौरान बहुत सारे टूल्स बनना शुरू हो गए थे. आप ये नहीं बोल सकते हो कि प्रॉपर टूल्स बन रहे थे, पर कुछ रुडिमेंट्री, मतलब प्रॉपर शेप में नहीं थे, पर कहीं ना कहीं कुछ तरीके के टूल्स बनना शुरू हो गए थे. एंड दैट इज वाई दिस पीरियड फॉर्म द पार्ट ऑफ स्टोन एज, बिकॉज द मैन द आर एंसेस्टर्स स्टार्टेड मेकिंग रुडिमेंट्री स्टोन टूल्स. दैट इज रुडिमेंट्री का मतलब है प्रॉपर शेप में नहीं थे या प्रॉपर स्मूथली नहीं बनते थे, वो कुछ ना कुछ करके वो स्टोन टूल्स बनाना शुरू कर चुके थे. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी स्टेज है हमारे कल्चरल डेवलपमेंट की या हमारे हिस्टोरिक डेवलपमेंट की, जिसमें स्टोन टूल्स की क्रिएशन और यूज होना शुरू हो चुका था. तो इट इज़ अनदर डेवलपमेंट, क्योंकि इससे पहले पीरियड में कभी भी स्टोन टूल्स का यूज़ नहीं हुआ था. अब एक नई डेवलपमेंट आई है. कल्चर भी तो बनेगा ना, अगर लोग टूल्स का यूज़ करेंगे, लोग थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करना शुरू करेंगे या हंटिंग आराम से हो जाएगी, टूल्स होंगे तो हंटिंग आराम से होगी, लोग बैठने लगेंगे एक जगह, सेटल होने लगेंगे, तो कल्चरल डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाएगी. सोसाइटी एक पर्टिकुलर चीज़ से जानी जाएगी, जैसे ये जो पीरियड है ये अपने स्टोन टूल्स की वजह से जाना जाता है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगर हम पैलोलिथिक एज की बात करें, इट वॉज विटनेस्ड अक्रॉस अफ्रीका, इट वॉज विटनेस्ड अक्रॉस अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड अमेरिका. ये कुछ कॉन्टिनेंट्स थे जहाँ पे पैलोलिथिक एज विटनेस की गई है, जहाँ पे पैलोलिथिक एज के एविडेंस मिले हैं. 3 मिलियन ईयर्स ओवरऑल पैलोलिथिक एज पीरियड इन सारे कॉन्टिनेंट्स में एग्जिस्ट किया है. जो अभी डेट्स लिखाई वो इंडिया की डेट्स है, बट अप्रॉक्सली फॉर 3 मिलियन ईयर्स पैलोलिथिक पीरियड वॉज एविडेंट इन दीज फोर एरियाज, दैट इज अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड अमेरिका. ठीक है, ये चार हमारे जगहें हैं जहाँ पे पैलोलिथिक एज प्रेजेंट थी. और अगर हम बात करें पैलोलिथिक का मतलब क्या होता है, PALAIOS, इसका मतलब है ओल्ड. ठीक है, लिथोस का मतलब होता है स्टोन और ये ग्रीक वर्ड्स है. And these together make Paleolithic age. That is the old stone age. ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, थोड़ा सा क्रैमिंग पोर्शन आता है आपका स्टोन एज में. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो इस दौरान कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी सोसाइटी में. ठीक है, इस टाइम पे, और हाँ, हर पीरियड पे ये देखना है कि ह्यूमन स्पीशीज़ कौन सी प्रेजेंट थी. तो इस दौरान जो ह्यूमन स्पीशीज़ थी, दैट वाज नोन एज, वन सेकंड, आई एम सो सॉरी, होमिनिड स्पीशीज़.
hominid species were the species of human which were prevalent in the world during this period. अलग अलग species आई थी, जैसे अगर आप देखोगे होमो सैपियंस पे भी हम आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता होमोनॉइड आई, होमिनिड आई, अलग अलग species थी during different period of time. तो इस दौरान जो species थी human की, that was hominid. तो अभी तक होमो सैपियंस नहीं थे, ठीक है. उसके बाद इस पीरियड में टूल प्रोडक्शन हुई थी, फायर का यूज़ होना फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ होना शुरू हो गया था. देन वी हैव, अगर फायर यूज़ हो रही है और हंटिंग हो रही है तो कुकिंग भी होगी, तो कुकिंग भी इस दौरान शुरू हुई थी. और कुछ ना कुछ तरीके का आर्ट भी शुरू हो चुका था, लोगों ने कुछ ड्राइंग्स करना भी शुरू कर दी थी, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? ओके. इस दौरान छोटे छोटे स्कल्पचर्स केव की वॉल्स पे या ट्रीज पे कुछ डिज़ाइंस, एनिमल फिगर्स, वुमेन फिगर्स बनना शुरू हो गई थी. तो आर्ट फॉर्म, अब क्योंकि मैन हंट कर रहा था, उसको अगर अलग अलग जगहों पे नहीं जाना पड़ रहा था, तो ही हैड फ्री टाइम. तो वो जो रोज़ अपनी लाइफ में देखता था, उसने वो चीज़ें एंग्रेव करके पेड़ों पे, केव्स की वॉल्स पे बनाना शुरू कर दी. सो दिस पीरियड कैन बी रेफर्ड एज द पीरियड ऑफ बिगनिंग ऑफ आर्ट इन आर सोसाइटी, ठीक है. तो इस पीरियड में आर्ट भी शुरू हो चुका था, चाहे वो छोटी छोटी फॉर्म्स में हो, स्टिक लाइक फिगर्स के फॉर्म में हो, पर कहीं ना कहीं शुरू होना लगा था. केव वॉल्स पे कुछ डिज़ाइंस बना दिए, फ्लावर बना दिए, एनिमल देखा एनिमल बना दिया, क्योंकि अब मैन के पास टाइम भी था और ऑब्वियसली अगर स्पीशीज़ बढ़ रही हैं तो डेवलपमेंट भी हो रही है, ठीक है. और अगर हम ज्योग्राफिकल एज की बात करें, उस दौरान जो हमारे वर्ल्ड में ज्योग्राफिकल एज चल रही थी, दैट वाज प्लिस्टोसीन. आप लोगों की ज्योग्राफी हो गई है ना, तो प्लिस्टोसीन पीरियड जब चल रहा था, ज्योग्राफिकल पीरियड, उस दौरान पैलोलिथिक एज चल रही थी. तो आपसे वो पूछ सकता है कि पैलोलिथिक पीरियड कोइंसाइडेड विद विच ज्योग्राफिकल पीरियड, दैट इज द प्लिस्टोसीन पीरियड, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? मतलब आइस एज अभी भी थी, अभी भी इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, क्योंकि जो मेजर डेवलपमेंट हुई है वो आइस एज ख़त्म होने के बाद ही हुई है. जैसे आपने ज्योग्राफी में भी देखा होगा, मेजर जो स्पीशीज़ बनी हैं या जो डेवलप हुई हैं, इवॉल्व हुई हैं, वो आइस एज ख़त्म होने के बाद हुई हैं. तो दिस पीरियड कोइंसाइडेड विद द आइस एज बट द प्लिस्टोसीन एरा, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. मैं सब कुछ लिखवा दूंगी. ये जो स्टोन एज वाला पीरियड है ना, इट्स मेनली कम्स इन योर प्रीलिम्स एग्जाम या जेके एसएसबी का पेपर हो गया, उन सारी चीजों में ये आता है, ठीक है. ओके. तो अब इंडियंस की अगर हम बात करें, अगर आपने पहले पढ़ा होगा, डिफरेंट तरीके के रेसेस थे हमारे इंडिया में ह्यूमंस के, ऑस्ट्रोलाइट्स, होमोनॉइड्स, बहुत सारे डिफरेंट रेसेस थे. तो इस टाइम पे जो इंडियंस की रेस चल रही थी, दैट वाज नेग्रिटो रेस. ड्यूरिंग दिस पीरियड जो लोग थे जो हमारे इंडिया में रह रहे थे, दैट वाज दैट दे बिलोंग टू द नेग्रिटो रेस. दीज आर सेवन रेसेस है, मुझे एग्जैक्ट नंबर सेवन रेसेस है, मुझे सारे नाम अभी याद नहीं आ रहे. देर आर सेवन रेसेस ऑफ ह्यूमन्स जो IVC के दौरान रह रहे थे साथ में. तो इस टाइम पे जो थी रेस, वो थी नेग्रिटोस, ठीक है. दे लिव्ड इन रॉक शेल्टर्स, दे लिव्ड अंडर ओपन वैलीज, उनको जहाँ पे भी जगह मिल रही थी, अब ह्यूमन्स ने रहना शुरू कर दिया था. तो क्योंकि पहले क्या होता था, इससे पहले अगर हम अर्ली ह्यूमन की बात करें, वो इधर से उधर भटकता था इन सर्च ऑफ फूड. अब उसको इतना ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पास टूल्स थे और वो आराम से हंट करता था. तो उन्होंने रिवर वैलीज के पास हो गया, ठीक है. रिवर, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जहाँ जहाँ पे सिविलाइजेशन शुरू हुई है ना, जहाँ पे लोगों ने सेटल करना शुरू किया है, वो या तो रिवर वैलीज होती है या तो बेसिन एरिया होता है. बिकॉज मैन को क्या चाहिए फूड ग्रो करने के लिए? वाटर, फर्टाइल सॉइल. वो कहाँ होगा?
रिवर वैलीज या बेसिन्स के पास। तो इसलिए जैसे आईबीसी की बात ले लो, कोई भी पीरियड ले लो, हमेशा सोसाइटी रिवर वैलीज के पास। आज के टाइम पे जो अंग्रेज़ आए थे वो भी क्यों आए थे? बिकॉज इंडिया हैड फर्टाइल सॉइल। असम ले लो, नॉर्थन प्लेन्स ले लो, इसलिए वो आए थे। मुगल क्यों आए थे? इसलिए आए थे, कोई हुक्म जताने नहीं आता है। दे कम इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ, फूड, फर्टाइल सॉइल एंड वाटर, है ना? वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश हु केम टू इंडिया। ही केम फॉर बेटर ट्रेड एंड कमर्स, ठीक है? वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया बेसिकली। पहले यूरोपियंस को नहीं पता था इंडिया कहाँ है, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। पर वो किस लिए आया था? ट्रेड एंड कमर्स के लिए। पर जब उसने देखा कि इंडिया से लाई हुई चीज़ें 6 times बिकी हैं, 6 times प्राइस पे बिकी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे। तो अगर कोई भी माइग्रेशन होती है वो होती ही मटीरियल पर्पसेस के लिए, खाना, कपड़े, गोल्ड, ज्वेलरी, वाटर, फर्टाइल सॉइल। कोई इमोशनल पर्पस नहीं होता, मटीरियल पर्पस। अब आर्यंस आए, वो भी मटीरियल पर्पस के लिए आए थे, इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ, ठीक है? तो अगर हम पैलियोलिथिक एज के लोगों की फूड हैबिट्स की बात करें, दे सर्वाइव्ड ऑन वेजिटेबल्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड हंटिंग। सो दीज आप, ये है उनकी लाइफस्टाइल हैबिट्स। लाइफस्टाइल हैबिट्स में आपसे फूड हैबिट या कपड़े कैसे पहनते थे ये सब पूछा जा सकता है। तो दे सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग, वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है? अगर हम, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पीरियड में कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते थे वो याद रखना। इस पीरियड में हैंड एक्सेस यूज़ किया जाता था, चॉपर्स यूज़ किए जाते थे, ब्लेड्स यूज़ किए जाते थे, स्क्रेपर्स यूज़ किए जाते थे। ये कुछ प्रोमिनेंट टूल्स हैं जो इस पीरियड के हमें मिले हैं। हाउएवर दे वर नॉट पॉलिश्ड, दे वर हाईली अनपॉलिश्ड एंड रफ, इसलिए इस पीरियड के टूल्स को रूडिमेंटरी स्टोन टूल्स भी बोला जाता है। बिकॉज दे वर नॉट स्मूथ, दे वर रफ, मतलब वो बना देते थे पर प्रॉपर तरीके से उसको स्मूथ या वो टेक्सचर नहीं दे पाते थे जो स्टोन टूल्स का होना चाहिए। सो दीज आर दी 4 प्रोमिनेंट टूल्स विच आर एविडेंट फ्रॉम दी पैलोलिथिक पीरियड, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? हाउ एवर इतना कुछ होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर होम कंस्ट्रक्शन अभी शुरू नहीं हुआ था। अभी तक लोगों को एग्रीकल्चर या होम कंस्ट्रक्शन की इतनी नॉलेज नहीं थी। बट येस, दे न्यू कौन सा पौधा खाना है, कौन सा नहीं खाना है, इस तरीके की बेसिक नॉलेज उनको हो चुकी थी, पर एग्रीकल्चर होना शुरू नहीं हुआ था। लोग अभी भी केव्स में या पहाड़ों पे रह रहे थे, ठीक है? जस्ट बिकॉज पहाड़ों में उनके पास हंटिंग सोर्सेज भी हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के भी सोर्सेज हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल हैबिट, किस तरीके से रह रहे थे। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या एग्रीकल्चर होता था? क्योंकि न्यूलिथिक एज तक पहुँचोगे ना तो एग्रीकल्चर होने लगा था, मीजोलिथिक में भी थोड़ा बहुत होने लगा था, तो एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। पैलोलिथिक में एग्रीकल्चर नहीं था, दे वर स्टिल सर्वाइविंग ऑन वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे डिड नॉट प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर येट, बट फिर भी वो केव्स वगैरह में उन्होंने रहना शुरू कर दिया था, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, उन्होंने टूल्स से आर्म्स बनाना शुरू कर दिया था। आर्म्स मतलब ब्लेड्स हो गए, या वो एरोज होते हैं ना, स्पेयर हेड्स जो आजकल आर्चरी वगैरह में यूज़ होते, उस तरीके के वो बनाना शुरू कर दिया था फॉर हंटिंग। दीज आर सर्टन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैलोलिथिक एज। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट?
कुछ आगे बढ़ने से पहले ये लिख लें कि पहले आगे करें, पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसके बारे में बुक्स में भी कम है। अगर आप पुरानी बुक्स उठा के देखोगे तभी आपको मिलेगा। आर एस शर्मा ले ली आप लोगों ने? कभी घर जाके आप फोटोज़ भी देख सकते हो टूल्स के, है ना, देखना एक बार। मेरे फ़ोन पे भी है, इस तरीके के टूल्स होते थे। पॉलिश्ड नहीं है ना, थोड़े रफ है, रुडिमेंट्री है। प्रॉपर तरीके शेप करने की उन्होंने कोशिश की है पर वो प्रॉपर टेक्सचर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, लिखे पैलोलिथिक एज। इसलिए कभी भी कुछ डेट्स में कंफ्यूजन हो ना आपको, भूल गई हो, डाल दो अप्रोक्स, अप्रोक्सीमेटली। जैसे आपको लगा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 से 10,000 है ना, नहीं याद है आपको, 5 याद आ रहा है, तो अप्रोक्स लिख दोगे ना आपके नंबर बच जाएंगे। अप्रॉक्स नहीं लिखोगे पूरे, अगर गलत डेट होगी पूरे नंबर काटेंगे, पर अप्रॉक्स लिखा होगा और इस तरीके से डेट लिखी होगी तो एग्जामिनर फिर भी बख्श देगा। ठीक है, अप्रॉक्स लिख दिया करो जब डेट्स में कंफ्यूजन हो। ठीक है, लिखो द पैलोलिथिक पीरियड ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। द पैलोलिथिक पीरियड ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज was the earliest period of human development. Paleolithic period, also known as the Stone Age, was the earliest period of human development, lasting approximately between 6 lakh BCE to 10,000 BCE. Next point, it is an ancient cultural stage. It is an ancient cultural stage of human development. It is an ancient cultural stage of human development characterized by the creation and use of rudimentary, मैं लिख देती हूँ स्पेलिंग, RUDIMENTARY, रुडिमेंट्री स्टोन टूल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट एनकम्पासेस होता है ENCOMPASSES. It encompasses about 3 million years. Of prehistoric life. Throughout Africa, Europe, Asia and America. Throughout Africa, Europe, Asia and America.
ठीक है, हम पैलोलिथिक की डिवीजन लिख लेते हैं, मैं जैसे लिखूंगी आप लोग वैसे लिख लेना, ठीक है। पैलियोस मीनिंग ओल्ड एंड लिथिक मीनिंग स्टोन इन ग्रीक, ठीक है। सो पैलोलिथिक इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दैट इज पैलियोस जिसका मतलब होता है ओल्ड एंड लिथिक दैट मीन्स स्टोन, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया सबने, नेक्स्ट पॉइंट। द पैलोलिथिक पीरियड इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द ग्रेट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द ग्रेट अर्ली एडवांसमेंट्स The great early advancements of hominid species, HOMINID, hominid species, slash तालो, slash नहीं ये जो होता है, ठीक है, that is tool production and use. होमिनिड स्पीशीज़ के आगे वो डालो, उनके एडवांसमेंट्स लिखेंगे, टूल प्रोडक्शन एंड यूज़ कॉमा यूज़ ऑफ फायर कॉमा कुकिंग एंड इवन द बर्थ ऑफ आर्ट। तो दीज आर दी फोर मेजर अचीवमेंट्स of the man belonging to this period, that is कि उन्होंने टूल बनाया, टूल्स का यूज़ किया, फायर का यूज़ किया, कुकिंग की और आर्ट करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पैलोलिथिक पीरियड कैन ऑल्सो बी करेक्टराइज द पैलोलिथिक पीरियड कैन ऑल्सो बी करेक्टराइज बाई द मैन्यूफैक्चर ऑफ small sculptures paintings and reliefs on cave walls small sculptures paintings and reliefs on cave walls हाँ छोटे छोटे डिजाइंस टाइप, ठीक है, ऑन केव वॉल्स लिख लिया यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेटिकली, अगर हम क्लाइमेट वाइज बात करें, क्लाइमेटिकली द पैलोलिथिक पीरियड coincides with the Pleistocene period period of ice age, okay, PLEISTOCENE, Pleistocene period of the ice age, next point, the Indians during this period belonged to the Negrito race. During this period
belonged to the Negrito race. Negrito race and lived in the river valleys. Negrito race and lived in the river valleys, caves and rock shelters. River valleys, caves and rock shelters. ठीक है, यहाँ तक लिख लिया सबने. नेक्स्ट पॉइंट, दे सर्वाइव्ड ऑन वाइल्ड फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड हंटिंग. ये आगे उनके लाइफ स्टाइल. दे सर्वाइव्ड ऑन वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड हंटिंग. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मेजर टूल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस एज वर हैंड एक्सेस, चॉपर्स, हैंड एक्सेस, चॉपर्स, ब्लेड्स एंड स्क्रेपर्स. हैंड एक्सेस, चॉपर्स, ब्लेड्स एंड स्क्रेपर्स. ब्रैकेट में लिख लेना अनपॉलिश्ड एंड रफ. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बट द पीपल वर अनअवेयर ऑफ एग्रीकल्चर और होम कंस्ट्रक्शन. बट द पीपल वर अनअवेयर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड होम कंस्ट्रक्शन. सो द लाइफ, पीपल वर अनअवेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड होम कंस्ट्रक्शन. So the life was not properly settled. Last point likho. Humans learned to make arms out of animal bones during this period. ठीक है, animal bones का use करके वो arms बना रहे थे. Humans learned to make arms out of animal bones during this period. ठीक है, ये आगे आपका पैलियोलिथिक एज का इंट्रोडक्शन प्लस इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ह्यूमन लर्न टू मेक आर्म्स आउट ऑफ एनिमल बोन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. किसी का कुछ छूटा तो नहीं? हो गया. ठीक है, अब हमारी आती है फर्दर डिवीजन ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड. फर्दर पैलियोलिथिक पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू लोअर पैलियोलिथिक पैलियोलिथिक पीरियड को हम डिवाइड करके तीन स्टेजेस में स्टडी करते हैं डिफरेंटली. फर्स्ट इज लोअर पैलियोलिथिक विच लास्टेड फ्रॉम 600,000 to 150,000 BCE years ago. लोअर पैलियोलिथिक पीरियड लास्टेड फ्रॉम 600,000, that is the beginning of Paleolithic period, to 150,000 BCE. okay, clear it? Dates yaad rakhna. Fir aata hai aapka middle Paleolithic.
ठीक है, मिडिल पैलोलिथिक लास्टेड फ्रॉम ऑब्वियसली द एंड ऑफ लोअर पैलोलिथिक, दैट इज 150,000, ठीक है, टू 40,000, ठीक है. The end date of the lower Paleolithic period was the beginning of the middle Paleolithic period. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा upper Paleolithic. That is 40,000 to 10,000 BC. That is the end of Paleolithic period. So these are the three further stages of the Paleolithic age. Lower Paleolithic, that is the earliest Paleolithic period. Then we have middle, and then we have upper, that is the latest Paleolithic period. Okay, clear है यहाँ तक? Okay. तो आज हम सबसे पहले करेंगे lower Paleolithic period. ठीक है, सो लोअर पैलोलिथिक को, अगर पैलोलिथिक पीरियड को ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है ना, तो लोअर पैलोलिथिक एज को अर्ली ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है, बिकॉज इट इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द स्टोन एज, तो इसलिए इसको अर्ली ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है. एंड दिस पीरियड लार्जली कंप्राइज्ड ऑफ द आइस एज पीरियड. पैलोलिथिक पीरियड का जितना भी ड्यूरेशन आइस एज के साथ गया है, दैट इज कवर्ड इन दिस पीरियड लार्जली. उसके बाद भी थी, पर मोस्टली पीरियड जो आइस एज का था वो इसी पीरियड के दौरान हुआ. ठीक है, ओके. इंडिया में लोअर पैलोलिथिक पीरियड 600,000 BCE ईयर्स अगो शुरू हुआ था. हाउएवर अफ्रीका में हो सकता है 2 मिलियन ईयर्स पहले भी शुरू हो गया हो, पर इंडिया में इट इज 600,000 BCE. ठीक है, जितनी डेट्स लिखोगे उतनी क्वेश्चन की अच्छी वो आती है, लुक आती है, और एग्जामिनर नंबर भी देता है. ठीक है, ओके. तो अगर हम प्राइमरली बात करें लोअर पैलोलिथिक एज, ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोप में और अफ्रीका में पाई जाती है, जहाँ पे लोग उस दौरान नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, क्योंकि उस टाइम पे लाइवलीहुड का तो कुछ ज़्यादा था नहीं, तो इन सर्च ऑफ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. ठीक है, तो लोअर पैलोलिथिक पीरियड लार्जली कंप्राइज ऑफ द नोमैडिक लाइफ. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये रेस कर दूँ, मैं सब लिखवाऊंगी. ठीक है, ओके. ठीक है, इस दौरान हैंड एक्सेस प्राइमरली, सबसे ज़्यादा हैंड एक्सेस प्रोड्यूस हो रहे थे, और बहुत सारे चॉपिंग टूल्स, जैसे भी हमने पढ़ी थी ना वो टेक्निक चॉपर वाली, तो चॉपिंग करने के लिए बहुत सारे चॉपर्स भी बन रहे थे. प्राइमरली हैंड एक्सेस और चॉपर्स इस दौरान कंपोज किए जा रहे थे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 1 सेकेंड. ठीक है, फ्लेक्स, यहाँ पे जो मेजर टेक्निक थी वो स्टोन ऑन स्टोन वाली थी, यूजिंग वन स्टोन एज द कोर एंड द अनदर वन टू चॉप ऑफ द फ्लेक्स. ठीक है, उसके बाद अगर हम मटेरियल की बात करें, स्टोन का जो मटेरियल था वो कौन कौन सा था, तो इस दौरान क्वार्टसाइट हो गया. ठीक है, क्वार्टसाइट्स हो गया, क्वार्ट्स हो गया, बिसाल्ट हो गया, क्योंकि उनको नहीं पता था कौन सा मटेरियल है, पर जब हमें एविडेंट हुआ, हमने उनको जब स्टडी किया, तो हमें पता चला कि उस टाइम पे स्टोन टूल्स इस मटेरियल से बन रहे थे, क्वार्टसाइट, क्वार्ट्स और बिसाल्ट. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद कुछ साइट्स हैं जो हमें पैलोलिथिक एज की मिली हैं, कुछ हैबिटेशन साइट्स हैं. हैबिटेशन साइट्स का मतलब है कुछ रॉक शेल्टर्स हमें मिल रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है लोग रह रहे हो. कुछ फैक्ट्री, जब हम साइट्स को स्टडी करते हैं ना, उनको डिफरेंट कैटेगरी में डाल के स्टडी करते हैं. हैबिटेशन साइट्स हो गई,
जहाँ पे लोग रह रहे थे। कुछ फैक्ट्री साइट्स बनी है, फैक्ट्री साइट्स का मतलब है जहाँ पे ये लोग उस टाइम पे टूल्स बना रहे थे, प्रॉपर फैक्ट्रीज नहीं थी पर कुछ ऐसी साइट्स जहाँ से हमें हो सकता है टूल्स बनाने की चीज़ें या टूल्स ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वन सेकेंड, और कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जहाँ पे कुछ हैबिटेशन की भी हमें एविडेंस मिले हैं और कुछ टूल मेकिंग प्रोसेस के भी एविडेंस हमें मिले हैं, और कुछ ओपन एयर साइट्स हैं, छोटी मोटी फिगर्स वगैरह जहाँ से हमें मिली है। तो ये चार तरीके की साइट्स हैं जो लोअर पैलोलिथिक पीरियड को बिलोंग करती है और इनके एविडेंस हमें मिले हैं। चारों तरीके की साइट्स क्लियर हो गई है? ठीक है, वन वॉज द हैबिटेशन जहाँ से हमें रॉक शेल्टर्स हो गया, सेकेंड इज़ दी फैक्ट्री साइट्स जहाँ पे टूल मेकिंग प्रोसेस होता था, थर्ड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एंड द सम आर दी ओपन एयर साइट्स, ना जहाँ पे रॉक शेल्टर्स हैं ना जहाँ पे फैक्ट्री है, बट कुछ ना कुछ एविडेंस है जो लोअर पैलोलिथिक एज से बिलोंग करता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो हमारे इंडिया में प्रेविलेंट हैं उनके नाम आपको मैं बता देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, जो साइट्स हैं ना उनके नाम लर्न करना इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी साइट्स में डिफरेंट एजेस के चीज़ें मिलती हैं, आईबीसी की भी मिलेगी, स्टोन की भी मिलेगी, तो आपको याद रखनी है ये चीज़, यहाँ पे आप रेलेवेंट में कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, जैसे कि पहलगाम इन कश्मीर, पहलगाम इन कश्मीर, देन वी हैव बेलन वैली इन इलाहाबाद, एंड देन वी हैव भीमबेटका एंड आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। ये कुछ तीन इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो लोअर पैलोलिथिक पीरियड को बिलोंग करती हैं इन आर कंट्री, जहाँ से हमें लोअर पैलोलिथिक पीरियड के एविडेंस मिले हैं। और उसके बाद पाकिस्तान में एक जगह है सोलन वैली, सबने सोहन वैली, बहुत बार हिस्ट्री में इसका मेंशन किया गया, अगर आईबीसी की बात करो या वैदिक पीरियड की बात करो उनके एविडेंस भी सोलन वैली में मिले हैं। हाउएवर इट वाज अर्लियर अ पार्ट ऑफ इंडिया व्हेन डिस्कवर्ड, बट नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ पर भी हमें लोअर पैलोलिथिक पीरियड के एविडेंस मिले हैं, यूपी में मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं, ये बहुत सारे एरिया से। बेलन वैली, बेलन वैली एक जगह है यूपी में, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट एजेस के एविडेंस हमें मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे पैलोलिथिक एज। फिर आंध्र प्रदेश में एक जगह है नागार्जुन कुंडा, वहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं। देन वी हैव भीमबेटका, भीमबेटका केव्स तो सबको पता होगा, वहाँ पे अगर आईबीसी के एविडेंस हैं या नियोलिथिक के, वहाँ पे लोअर पैलोलिथिक एज के भी एविडेंस है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा लोगों ने पेंटिंग करना शुरू कर दिया था, और वो पेंटिंग्स कहाँ पे करते थे, रॉक केव्स पे, केव वॉल्स पे, है ना, या शेल्टर्स के ऊपर। तो वो सारे एविडेंस आज के टाइम पे एमपी वाली साइड चले जाओ, यूपी वाली साइड चले जाओ, वहाँ पे मिलेंगे। और अगर आप ध्यान से सोचो, जो भी वन सेकेंड, अगर हम मैप के हिसाब से देखें, ठीक है, तो मेजर प्रोपोर्शन साइट्स की ये है, और ये कौन सा एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स, गंगा, यमुना, सारे रिवर्स यहाँ पे लाए करते हैं। और इसी से हमें पता चल जाता है कि लोग वहाँ पे सेटल करते थे जहाँ पे रिवर होता था, इसका मतलब उनको भी ये नॉलेज थी कि यार यहाँ पे पानी है, हमें यहाँ सेटल होना है। और मेजर प्रोपोर्शन, यहाँ पे तो सिविलाइजेशन बाद में आई है, ऊपर भी बाद में गई है, पर मेजर प्रोपोर्शन जो सिविलाइजेशन है वो आपके राजस्थान से लेके इस वाले एरिया में है। ठीक है, तो लोगों को भी कहीं ना कहीं नॉलेज थी, या उस टाइम पे भी लोग रिवर वैलीज के पास सेटल होना प्रेफर करते थे, चाहे वो पैलोलिथिक पीरियड हो या आईबीसी हो। मेजर सिविलाइजेशन जो हमारे इंडिया में बनी है वो इसी एरिया में बनी है। ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी, ये कौन सा एरिया है, सारा ही एरिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे एक साइट है हंस की, वहाँ पे भी हमें लोअर पैलोलिथिक एज के एविडेंस मिले हैं, बहुत सारे हैबिटेशन साइट्स मिली हैं, कुछ टूल्स मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो इस एज को बिलोंग करती हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी लोग लोअर पैलोलिथिक एज के दौरान भी लोग प्राइमरली फूड गैदरर्स ही थे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर तो नहीं कर रहे थे,
पर कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया था, पर अभी भी उस प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन तक जाने में टाइम था। तो यहाँ पे लोग फूड गैदरर बोल सकते हो आप, या छोटी मोटी हंटिंग पे फिश हो गया, बर्ड्स हो गई, उनकी हंटिंग पे सर्वाइव कर रहे थे। ठीक है, ये आ गया आपका लोअर पैलोलिथिक पीरियड, जिसमें आपने बस कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक लर्न करने हैं, याद रखने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट साइज याद रखनी है। ठीक है, साइज हाउएवर आर अ पार्ट ऑफ, मेजरली आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो साइज हमेशा याद रखनी है। और कोशिश करो एग्जैक्ट, अगर आपको नहीं आती मैपिंग करने साइज की, जैसे अगर आपको पता है राजस्थान कहाँ है, तब थोड़ा बहुत आंसर में रफ मैप बना के मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे साइट है, कर्नाटका अगर यहाँ है तो यहाँ पे साइट है, तो मैप को रटो, मैप को प्रैक्टिस करो रफ बनाने की, क्योंकि आपको वहाँ मैप तो नहीं मिलेगा, अगर रफली आपको अच्छे से आता होगा तो आपके नंबर इंक्रीज होने के चांस होते हैं। और सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन की वेटेज कवर कर सकते हो आप। यहाँ तक सबको क्लियर है लोअर पैलोलिथिक पीरियड? कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो, कोई बात नहीं। ठीक है, लिख ले लोअर पैलोलिथिक, एक सेकंड भैया को पानी बोल दूँ। लिखो फिर लोअर पैलोलिथिक एज। थैंक यू। ब्रैकेट में लिख दो अर्ली पैलोलिथिक एज, कभी कभी लोअर की जगह अर्ली भी लिखा होता है। ठीक है, पहला पॉइंट द लोअर पैलोलिथिक एज covers the greater part of the ice age and the lower paleolithic age covers the greater part of ice age and is also known as the early old stone age. It's also known as the early old stone age. Next one likho. The early old stone age may have begun in Africa. The early old stone age may have begun in Africa around 2 million years ago. The early old stone age may have begun in Africa around 2 million years ago, but in India it is not older than six lakh years. Next point likho. The lower Paleolithic age was primarily found. In Western Europe and Africa, where early humans led nomadic lives.
the main types of tools during this era? The main types of tools during this era were hand axes and choppers. Which were made using coarse and flakes. ठीक है, फ्लेक्स, FLAKES. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलेगा. नेक्स्ट लिखो, द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग द स्टोन टूल्स. Were largely of different kinds of stones. Including quartzite, quartz and basalt. ठीक है, ये तीन तरीके के stones थे जो उस दौरान use किए जाते थे for making stone tools. Quartzite, quartz and basalt. Next point. Z. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉलोइंग आर द मेजर टाइप्स ऑफ साइट्स ऑफ लोअर पैलोलिथिक कल्चर. ठीक है, फर्स्ट लिखो हैबिटेशन साइट्स. फॉर एग्जांपल रॉक शेल्टर्स, हैबिटेशन साइट्स, फॉर एग्जांपल रॉक शेल्टर्स. सेकंड लिखो फैक्ट्री साइट्स एसोसिएटेड विद द सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स. नेक्स्ट लिखो, साइट्स दैट कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ बोथ. लास्ट लिखो ओपन एयर साइट्स. चलो नेक्स्ट पॉइंट, फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट साइट्स बिलोंगिंग टू द लोअर पैलोलिथिक पीरियड. पहला लिखो पहलगाम इन कश्मीर.
पहलगाम इन कश्मीर. नेक्स्ट लिखो बेलन वैली. बेलन वैली इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. बेलन वैली इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. ठीक है यहाँ तक. फिर आता है आपका डेजर्ट एरिया ऑफ डिडवाना. डेजर्ट एरिया ऑफ डिडवाना DIDWANA इन राजस्थान. ठीक है. नेक्स्ट लिखो भीमबेटका. एंड आदमगढ़ इन भीमबेटका एंड आदमगढ़ इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. होशंगाबाद के भी स्पेलिंग लिख रही हूँ. होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. नेक्स्ट लिखो नागर. जुना कोंडा इन आंध्र प्रदेश. ठीक है. नेक्स्ट आएगा हमारा हुंस्की. हुंस्की इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका. वेयर हुंस्की इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट GULBARGA. हुंस्की इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका. वेयर लार्ज नंबर ऑफ टूल्स हैबिटेशन साइट्स हैव बीन फाउंड. टूल्स हैबिटेशन साइट्स हैव बीन फाउंड. ठीक है यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट लिखो पॉइंट. अच्छा एक और एग्जांपल है. दी अर्ली ओल्ड स्टोन एज साइट्स हैव बीन फाउंड. हैव बीन फाउंड इन दी वैली ऑफ रिवर सन. और सोलन इन पंजाब. नाउ इन पाकिस्तान. और सोलन इन पंजाब. नाउ इन पाकिस्तान. आपसे वो पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी साइट है जो पहले इंडिया में थी और पैलोलिथिक पीरियड की थी पर अब पाकिस्तान में है. तो दैट इज़ दी साइट ऑफ रिवर सन और सोलन. ठीक है. एक सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द पीपल ऑफ द लोअर स्टोन एज सीम टू बी प्रिंसिपली
The people of the lower stone age seems to be principally food gatherers. Principally the people of the lower stone age seems to be principally food gatherers. However, they took upon small hunting and lived on fish and birds. ठीक है, लोअर पैलोलिथिक एज क्लियर है सबको? फिर आती है आपकी मिडिल पैलोलिथिक एज. ओके, सो मिडिल पैलोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 1,50,000 to 40,000 BCE. ठीक है, सो मिडिल फोन कर रहा है, छोड़ो. द मिडिल पैलोलिथिक एज अगर हम बात करें तो अब जो स्पीशीज थी वो मैन की अब चेंज हो गई है. नाउ द स्पीशीज वॉज नियंडरथल. नियंडरथल तो सबने सुना होगा, होमो सेपियंस के आई थिंक पिछली स्पीशीज ही है नियंडरथल. नाउ द स्पीशीज वॉज नियंडरथल. अब आपसे वो पूछ सकते हैं लोअर में कौन सी थी, होमोनिड, राइट? और मिडिल में आ गई नियंडरथल. तो मैन का इवोल्यूशन हुआ है ड्यूरिंग सच स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, मैन ऑल्सो इवॉल्व. और अगर मैन इवॉल्व करेगा उसकी ऑब्वियसली मेंटल डेवलपमेंट होगी, ज़्यादा वो अच्छे से काम कर पाएगा तो सोसाइटी इवॉल्व करेगी. ठीक है, सोसाइटी इवॉल्व करेगी तो कल्चर डेवलप होगा, राइट? कल्चर डेवलप होगा तो सिविलाइजेशन बनेगी. ठीक है, कल्चर क्या होता है? आर डे टू डे प्रैक्टिसेस. अगर नॉर्मल भाषा में बोलें जो हम डे टू डे चीज़ों में देखते हैं या करते हैं. सिविलाइजेशन इज अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द कल्चर प्रेवलेंट ड्यूरिंग दैट टाइम. ठीक है, तो मैन इवॉल्व होगा तभी सोसाइटी बनेगी, सोसाइटी इवॉल्व करेगी, सोसाइटी इवॉल्व करेगी तभी कल्चर बनेगा. बिना कल्चर के सोसाइटी नहीं हो सकती और सोसाइटी के बिना कल्चर नहीं बन सकता. सो दे आर इंटरलिंक्ड. और अगर ये दोनों चीज़ें बनेगी तभी सिविलाइजेशन आएगी. ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन इवॉल्व इनटू द नियंडरथल स्पीशीज. ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो कहीं ना कहीं अगर मैन की एडवांसमेंट हुई है तो आगे सोसाइटी भी बढ़ेगी. अब इस पीरियड में फायर का यूज़ होना शुरू हो गया था. नाउ वी हैव एविडेंस ऑफ यूज़ ऑफ फायर फ्रॉम द मिडल पैलोलिथिक पीरियड. ठीक है, जो हमें केव्स के थ्रू मिला है. ठीक है, उसके बाद दिस एरा ऑल्सो विटनेस्ड. अगर फायर हो रहा है, ठीक है, मतलब लोग कुक करना शुरू कर देंगे, कुकिंग करेंगे तो उनको फूड गैदरिंग करने नहीं जाना पड़ेगा. तो अगर लोग एक जगह सेटल होने लगेंगे तो कल्चर इवॉल्व होगा, कल्चर बढ़ने लगेगा. तो कहीं ना कहीं कल्चरल लाइफ शुरू हो गई थी, फायर का यूज़ होना शुरू हो गया था. और ऑब्वियसली अगर फायर यूज़ हो रहा है, मैन इवॉल्व हो रहा है, कल्चर बन रहा है, तो स्टोन टूल्स में भी कुछ एडवांसमेंट आई होगी. ठीक है, सो दीज आर दी मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड. दैट इज दैट मैन इवॉल्व इनटू नियंडरथल स्पीशीज, ही स्टार्टेड यूजिंग फायर
and with the beginning of use of fire, cultural life started and there were the advancements in the stone tools. ठीक है, मिडिल पैलोलिथिक एज छोटे छोटे स्टोन्स को यूज़ करके डिफरेंट स्टोन टूल्स उन्होंने बनाना शुरू किया था. अगर हम बात करें मिडिल पैलोलिथिक एज के दौरान इंडस्ट्रीज़ की, इंडस्ट्रीज़ का मतलब है वो एरियाज या वो लोग जो उस टाइम पे स्टोन टूल्स बना रहे थे. अगर हम उनकी बात करें तो दे वर लार्जली बेस्ड और डिपेंडेंट ऑन स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन. ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन टूल्स बनाना उन्होंने शुरू कर दिए थे. और वैसे भी अगर छोटे बना रहे हैं तो छोटों में ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए, ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी. ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टोन टूल्स बनाने में भी एडवांसमेंट होने लगी और डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट साइट्स में, डिफरेंट वेरिएशंस के साथ स्टोन टूल्स हमें इस पीरियड को बिलोंग करते हुए मिले हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा देखो हैंड एक्स एक ऐसा टूल है जो तीनों एजेस में था. However, हैंड एक्स पिछले एज में भी था पर अब और ज़्यादा प्रिसाइज हैंड एक्स उन्होंने बनाना शुरू कर दिए थे. तो हैंड एक्सेस विच वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर मोर प्रिसाइज, वर मोर स्मूथन एंड वर मोर शार्पली मेड. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, ट्राइंगुलर पीसेस के थ्रू हैंड एक्सेस को आराम से बनाया जाता था, प्रॉपर शेप दी जाती थी. पिछले पीरियड में बहुत रुडमेंट थे, प्रॉपर शेप नहीं थी, बट इन ड्यूरिंग दिस पीरियड दे वर गिवन प्रॉपर शेप. ठीक है, ये प्रॉपरली डेलिकेट तरीके से और स्पेशलाइजेशन के साथ इन्होंने टूल्स बनाना शुरू कर दिए थे. तो हम डिफरेंस ये बोल सकते हैं दैट द टूल्स मेड ड्यूरिंग द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड वर नॉट properly or precisely made or they did not had any integrated design or specialization, but the tools made during this period had integrated designs, they were delicate and they were made with precision and specialization. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अब अगर टूल्स इतने आराम से बन रहे, इतने प्रिसिशन से बन रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से फैक्ट्रीज बन रही होगी वो या वर्क प्लेसेस बन रहे होंगे, तो कल्चरल लाइफ और ज़्यादा ग्रो करने लगी थी. और नियंडरथैल्स के साथ साथ एट द एंड ऑफ मिडिल पैलोलिथिक पीरियड विटनेस द इमर्जेंस ऑफ होमो सैपियंस. ठीक है, सो नियंडरथैल्स के साथ साथ मिडिल पैलोलिथिक एज में होमो सैपियंस भी आना शुरू हो चुके थे, इवॉल्व हो चुके थे. तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि ऐसा पीरियड बताओ जब ह्यूमन की दो स्पीशीज प्रेवलेंट थी साथ में, दैट वाज नियंडरथैल्स एंड होमो सैपियंस विच वर प्रेवलेंट ड्यूरिंग द मिडिल पैलोलिथिक पीरियड. ठीक है, तो अब ऑब्वियसली अगर मैन इवॉल्व कर रहा है, टूल्स अच्छे से बन रहे हैं, तो कल्चरल लाइफ कॉम्प्लेक्स होने लगेगी. तो छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के स्क्रेपर्स, हैंड एक्स, क्लीवर्स वगैरह इसमें बनने लगे थे. ठीक है, आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कुछ आर्ट के स्कल्पचर्स, कुछ फिगर्स भी इस पीरियड की हमें एविडेंस मिले हैं काफ़ी ज़्यादा साइट्स थे. सो दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस द बिगनिंग ऑफ आर्टिफैक्ट्स. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? स्पेशली नर्मदा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के पास हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो इस पीरियड को बिलोंग करते हैं. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट साइट जो इस पीरियड की है वो है बेलन वैली इन यूपी. बेलन वैली इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट बिलोंगिंग टू द मिडिल पैलोलिथिक पीरियड, जहाँ पे हमें एनिमल फॉसिल्स मिले हैं. यानी कि अब लोगों ने शायद एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, प्रॉपर एविडेंस नहीं है, हो सकता है उन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, और डियर के मिले हैं, कैटल के मिले हैं, तो हो सकता है कैटल रेयरिंग जैसी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी हो. हाँ, कुछ एविडेंस हमें लगता है लोअर पैलोलिथिक एज के, पर लार्जली दे बिलोंग टू मिडिल पैलोलिथिक एज. तो अगर हम मिडिल पैलोलिथिक एज की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट है नियंडरथैल्स आए, होमो सेपियंस आए, आर्ट बनने लगा, फायर का यूज़ हुआ तो कुकिंग होगी. अब दोनों चीज़ें, मैन भी इवॉल्व हुआ, फायर भी यूज़ हुआ, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाएगी? कल्चरल लाइफ. तो लोगों ने एक सेटल डाउन, प्रॉपर तरीके से नहीं पर कहीं ना कहीं एक सेटल डाउन लाइफ जीना इस एज के दौरान शुरू कर दिया था.
ठीक है, स्टोन्स जो थे वो थोड़े और पॉलिश्ड हो गए थे। इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो बेलन वैली इन यूपी, लूनी वैली इन राजस्थान, देन वी हैव भीमबेटका, तुंगभद्रा रिवर वैली, देन वी हैव पोटवार प्लेट्यू। एक प्लेट्यू है इंडस और झेलम के बीच में, उसको पोटवार प्लेट्यू बोला जाता है। वहाँ पे भी हमें मिडिल पैलोलिथिक एज के एविडेंस मिले हैं। देन वी हैव पाकिस्तान में एक केव है संघाव के, वहाँ पे भी हमें मिडिल पैलोलिथिक पीरियड के चीज़ें मिली हैं। तो मिडिल पैलोलिथिक पीरियड में इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि होमो सैपियंस इमर्ज हुए, फायर का यूज़ हुआ, आर्ट बनने लगा और जो टूल्स थे वो स्मूथ हो गए। तो कहीं ना कहीं मिडिल पैलोलिथिक एज विटनेस्ड द बिगिनिंग ऑफ कल्चरल लाइफ। क्लियर है यहाँ पे सबको? इतना सही था आपका मिडिल पैलोलिथिक एज। ठीक है, एक सेकेंड, ये लिख लें। तो अगर आपको मैं टूल्स की फ़ोटो दिखाऊं तो इस तरीके के टूल्स बनने थे, तो स्मूथ हो गए, शेपिंग आ गई है पूरी। पिछली बार कितने चिप्ड से थे, रुडमेंट थे पूरे, यहाँ पे स्मूथ और प्रॉपर शेप के टूल्स बनने लगे थे। ठीक है, लिखो मिडिल पैलोलिथिक एज, टाइम पीरियड लिखो इसका ब्रैकेट में साथ में, 1,50,000 to 40,000 BCE। ओके, सो द मिडिल पैलोलिथिक एज वॉज प्राइमरली, द मिडिल पैलोलिथिक एज वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड द अर्ली फॉर्म ऑफ मैन दैट इज नियंदरथल। Neanderthal, whose remains, Neanderthal, whose remains have been discovered in caves along with the evidence of fire use. ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस एरा विटनेस्ड दी This era witnessed the birth of cultural life widespread use of controlled fire and further advancements in tool making. Likh liya? Next point likho. The middle Paleolithic industries were largely based upon flakes or small pieces of stones
मतलब इस एज के दौरान हो सकता है छोटे छोटे स्मॉल स्टोन टूल्स बनते हो, लार्जली बेस्ड अपॉन फ्लेक्स और स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स विच हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विद रीजनल वेरिएशंस विच हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विद रीजनल वेरिएशंस यहाँ तक लिख लिया. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. मोर प्रिसाइज हैंड एक्सेस वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. प्रिसाइज हैंड एक्सेस वर प्रोड्यूस्ड मोर प्रिसाइज हैंड एक्सेस वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड यूजिंग स्क्रेपिंग इंस्ट्रूमेंट्स. यूजिंग स्क्रेपिंग इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है, जिससे हम किसी के घिसते हैं चीज़ों को. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. The tools of the Middle Paleolithic period were increasingly delicate and specialized. The tools increasingly delicate and specialized. ठीक है, हो गया, लिख लिया यहाँ तक. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द एक्सिस्टेंस ऑफ सच टूल्स डिमॉन्स्ट्रेट्स द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कल्चर. द एक्सिस्टेंस ऑफ सच टूल्स डिमॉन्स्ट्रेट द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कल्चर. द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी of the culture which developed in the hunter-gatherer communities of Neanderthals, which developed in the small hunter-gatherer communities of Neanderthals. हो गया यहाँ तक. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द टूल्स इंक्लूडेड स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड. द टूल्स इंक्लूडेड स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड हैंड एक्सेस क्लीवर्स CLEAVERS स्क्रीवर्स क्रीवर्स एंड स्क्रेपर्स. दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड द कमिंग अप ऑफ अर्ली होमो सेपियंस. Coming up of early Homo sapiens. Next point likho. The artifacts of this age
are found at artifacts 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 of this age. क्या हुआ, लिख लिया इतना. Of this age are found at several places on the river Narmada. At several places on the river Narmada. And south of Tungbhadra River. Tungbhadra River. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द बेलन वैली इन यूपी इज अनदर इम्पॉर्टेंट साइट. द बेलन वैली इन यूपी इज द अनदर इम्पॉर्टेंट साइट विच इज रिच इन which is rich in stone tools and animal fossils including cattle and deer. Belonging to this period. Including cattle and deer belonging to this period. ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स के नाम लिख लो. बेलन वैली तो लिख लिया, दूसरा लिखो लूनी वैली इन राजस्थान. लूनी एल यू एन आई. लूनी वैली इन राजस्थान. नर्मदा रिवर. नेक्स्ट लिखो भीमबेटका. उसके बाद तुंगभद्रा. तुंगभद्रा तक लिख लिया. नेक्स्ट लिखो पोटवार प्लेटियो. पी ओ TWAR पोटवार प्लेट्यू बिटवीन इंडस एंड झेलम. पोटवार प्लेट्यू बिटवीन इंडस एंड झेलम. नेक्स्ट आएगा आपका संघाओ केव. एस ए एन जी एच ए ओ संघाओ केव नियर पेशावर इन पाकिस्तान. ठीक है, यहाँ तक लिख लिया सबने. इसके बाद हमारा लास्ट है अपर पैलोलिथिक पीरियड. तो अपर पैलोलिथिक पीरियड बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ, अगर हम बोले अपर पैलोलिथिक पीरियड का मेन फीचर है स्प्रेड and dominance of homo sapiens. तो homo sapiens बढ़ गए and they started dominating the society and the environment. ठीक है, so upper paleolithic period can be characterized by the dominance of homo sapiens. और ये period है जब actual art form होना
शुरू हुआ था, जब एक्चुअली ह्यूमंस ने या मैन ने आर्टिस्टिक वर्क करना शुरू कर दिया था. दैट इज़ द अपर पैलियोलिथिक पीरियड विच विटनेस्ड द बिगिनिंग ऑफ आर्ट इन आर सोसाइटी. ठीक है, लोगों ने इस दौरान एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया. नाउ वी हैव क्लियर एंड कट एविडेंस दैट मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड वॉज द पीरियड विच कोइंसाइडेड विद द लास्ट स्टेज ऑफ या लास्ट पीरियड ऑफ आइस एज. तो आइस एज इस दौरान ख़त्म होने वाली थी एंड इवेंचुअली इट रिजल्टेड इनटू अ वार्मर क्लाइमेट. और अगर वार्मर क्लाइमेट होगा तो ऑब्वियसली मैन का इवॉल्व करना, स्पीशीज का इवॉल्व करना ज़्यादा आसान और ज़्यादा बढ़ चुका था उस दौरान, बिकॉज दिस वॉज द लास्ट स्टेज ऑफ आइस एज. ठीक है, तो स्टोन टूल्स में भी एडवांसमेंट आई और अच्छे से टूल्स बनना शुरू हो गए. एनिमल बोन से उन्होंने एनिमल बोन से उन्होंने टूल्स बनाना शुरू किए. फिशिंग करने के लिए उन्होंने ब्लेड टूल्स बनाना शुरू किए. उन्होंने नीडल्स भी बनाना शुरू कर दी फिशिंग के लिए, हंटिंग के लिए. और ज़्यादा इंटीग्रेट और स्पेशलाइज टूल्स मैन ने उस टाइम पे बनाने शुरू कर दिए. एंड देवर हाईली डिफरेंट फ्रॉम दी लोअर पैलोलिथिक पीरियड. इस टाइम पे जो टूल्स थे वो और ज़्यादा इंटीग्रेट, स्पेशलाइज और शार्प हो चुके थे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हम ये बोल सकते हैं कि मैन की इवॉल्वमेंट के इवॉल्व होने के साथ साथ इनोवेशन भी शुरू हो गई इन मेकिंग स्टोन टूल्स. ठीक है, और अगर हम इम्पॉर्टेंट टूल्स की बात करें दैट आर अब यहाँ पे कुछ ऐड होंगे, जैसे स्क्रेपर्स. ठीक है, ब्यूरिन्स, कुछ नीडल जैसा ही होता है, फिशिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है. ठीक है, देन वी हैव बोरर्स, नाइव्स बनना, चाकू वगैरह इन्होंने बनाना शुरू कर दिए. सो इस पीरियड का मेन करेक्टरिस्टिक ही यही है दैट विद द मैन इवॉल्विंग प्रॉपरली इनटू होमो सैपियंस एंड डोमिनेंस ऑफ द होमो सैपियंस, इट लेड टू द एडवांसमेंट इन आर्ट एज वेल एज द टूल मेकिंग प्रोसेस. ठीक है, अगर हम इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो भीमबेटका आती है, जहाँ पे बहुत सारे हैंड एक्सेस वगैरह मिले. बेलन, सन, छोटा नागपुर प्लाटियू, आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न घाट वाले पोर्शन में भी हमें अपर पैलोलिथिक एज के एविडेंस मिले हैं. ठीक है, बहुत सारे बोन टूल्स हैं, एनिमल बोन से उन्होंने टूल्स बनाना शुरू किया था. बहुत सारे बोन टूल्स हमें आंध्र प्रदेश के कर्नूल साइड से मिले हैं. तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में टूल मेकिंग में बहुत एडवांसमेंट हुई थी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैन इवॉल्व कर रहा है, मैन फायर का यूज़ कर रहा है, मैन हंटिंग कर रहा है, मैन ने एनिमल्स डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया. ठीक है, मैन ने प्रोडक्शन शुरू कर दी. सो ऑब्वियसली अगर ये सारा होगा तो सोसाइटी प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो रही है, और जब सोसाइटी प्रॉपरली इस्टेब्लिश होगी तो क्या फ्लरिश करेगा? आर्ट, कल्चर एंड सिम्बॉलिज्म. क्योंकि उस टाइम पे जो आर्ट होता था ना वो सिम्बॉलिक ही होता था. जैसे स्टिक लाइक फिगर्स बना दी, वो ऐसे स्टिक लाइक फिगर्स बना देते थे मैन को सिम्बलाइज करने के लिए, या अर्थली फिगर्स बना दी वर्शिप करने के लिए. तो कहीं ना कहीं आर्ट सिम्बॉलिज्म फ्लरिश होने लगा था. केव पेंटिंग्स, बहुत सारी केव पेंटिंग्स इस पीरियड के दौरान बनने लगी थी. केव पेंटिंग्स हो गया, इंग्रेविंग्स होगी केव्स पे, छोटी छोटी वुमेन की फिगर होगी या किसी एनिमल की फिगर होगी. तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी एंड टैलेंट बोल सकते हो आप, क्रिएटिविटी एंड टैलेंट केम अप इन द फोरफ्रंट बिकॉज द मैन स्टार्टेड डूइंग द ट्रू आर्ट. ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने, अब ऑब्वियसली सोसाइटी बन रही है, हर किसी को रहने की जगह चाहिए. जब मैन डोमिनेट करना शुरू करेगा तो मैन क्या करेगा? मैन इवॉल्व होगा और वो डोमिनेट करना शुरू करेगा तो वो सबसे पहले अपनी टेरिटरी बढ़ाएगा. तो जहाँ जहाँ पे इंसान बस रहे थे वहाँ वहाँ पे वो अपनी टेरिटरी बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो कहीं ना कहीं अब मॉडर्न मैन आ गया, जो हम भी हैं, है ना. इनोवेशन आई, क्रिएटिविटी आई, एडवांसमेंट आया,
कल्चर आया, आर्ट आया, वो सारी चीज़ें जो एक सिविलाइजेशन के लिए या एक सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है वो इस पीरियड के दौरान शुरू हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद दिस पीरियड ऑल्सो मार्क्ड द एंडिंग ऑफ पैलोलिथिक पीरियड। तो इस पीरियड के दौरान आइस एज ख़त्म होगी, आइस एज ख़त्म होगी। देखो आइस एज के दौरान क्लाइमेटिक कंडीशंस वर नॉट वेरी बोल सकते एप्रोप्रिएट फॉर मैन टू ग्रो, ये किसी भी स्पीशीज़ के लिए। बट दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस द एंड ऑफ आइस एज। तो जब आइस एज ख़त्म होगी तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल चेंजेस आएंगी और इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से टेम्परेचर वार्मर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो कंडीशंस पैदा हुई जो मैन के लिए फेवरेबल थी। अब मैन एग्रीकल्चर भी कर सकता था। तो दिस पीरियड का जब एंड हुआ तो इन्वायरमेंटल चेंजेस भी हुई और मैन के रहने के तरीके में, प्रोडक्शन करने के तरीके में भी चेंजेस आई। ये क्लियर है सबको? तो इसलिए बोला जा सकता है कि पैलोलिथिक पीरियड एक ऐसा फेस है हमारी स्टोन एज का जिसको हम होमो सेपियंस की अर्ली डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट दे सकते हैं, बिकॉज होमो सेपियंस इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। पहली स्टेज पे नहीं थे, ठीक है, पर उन्होंने कहीं ना कहीं टूल्स बनाना शुरू किया, एक बिगनिंग हुई। सेकंड स्टेज पे एंड में आए, पर नियांडरथल्स आए, फायर का यूज़ हुआ, स्पेशलाइज्ड टूल्स बनने लगे। और लास्ट स्टेज पे होमो सेपियंस पूरी तरीके से इवॉल्व हो गए और डोमिनेट करने लगे और वेदर कंडीशंस उनको सूट करने लगी। तो कहीं ना कहीं दिस पीरियड मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, आप ऐसा बोल सकते हो। दिस पीरियड मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी एंड आर्ट, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सबको? ये लिख ले। देखो अपर पैलोलिथिक पीरियड विटनेस्ड द कंटिन्यूड स्प्रेड एंड डोमिनेंस ऑफ द अपर पैलोलिथिक पीरियड विटनेस्ड द कंटिन्यूड स्प्रेड एंड डोमिनेंस ऑफ होमो सेपियंस। ठीक है, the humans began to create true artistic works, the humans began to create true artistic work, comma, sharp blades and domesticate animals. So, अगर आपको कोई पूछे है domestication of animals started during which period, that is the upper Paleolithic period. लिख ले यहाँ तक। Next point लिखो, the upper Paleolithic age coincided with the upper Paleolithic age coincided with the last phase of ice age when the climate became comparatively warmer and less humid. When the climate became comparatively warmer and when the climate became comparatively warmer and less humid. Next point likho. The period is marked by innovation. The period is marked by innovation in tools and technology.
यहाँ तक लिख लिया, नेक्स्ट लिखो, अ लॉट ऑफ बोन टूल्स इंक्लूडिंग नीडल्स, अ लॉट ऑफ बोन टूल्स इंक्लूडिंग नीडल्स, फिशिंग टूल्स, and burin tools were made. A lot of bone tools including needles, fishing tools and burin tools were made. burin. ठीक है, लिख लिया यहाँ तक. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द टूल्स ऑफ द अपर पैलोलिथिक एज वर लार्जली, the tools of the upper paleolithic age are largely different from the simple tools of lower paleolithic age. क्योंकि इस टाइम पे जो टूल्स थे वो थोड़े से सिंपल टूल्स ऑफ लोअर पैलोलिथिक एज. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द मेन टूल्स वर स्क्रेपर्स, द मेन टूल्स वर स्क्रेपर्स, बोरिन्स, ब्यूरिन्स, burins, बोरर्स, नाइफ्स एक्सेट्रा. एक और है ऑल्स. ये जो बोरर्स और ऑल्स होते हैं ना, ये होल्स करने के लिए यूज़ किए जाते हैं फुटवेयर में या क्लोथ्स में, उनका यूज़ किया जाता है टू मेक होल्स. ठीक है, ये बड़े होल्स करता है और ये स्मॉल होल्स. ऑल्स इज यूज फॉर मेकिंग स्मॉल होल्स इन लेदर और समथिंग लाइक दैट, एंड बोरर्स आर यूज फॉर मेकिंग बिग होल्स इन फुटवेयर और क्लोथिंग. ठीक है, जैसे आज के टाइम में हमारे सुई धागे होते हैं या हमारे वो होते हैं ना प्लास टाइप, वैसा कुछ. ठीक है, ये कुछ टूल्स थे जो सबसे ज़्यादा उस पीरियड के पाए गए हैं. यहाँ तक लिख लिया सबने? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, मेजर साइट्स ऑफ अपर पैलोलिथिक एज. पहला लिखो भीमबेटका. भीमबेटका एक ऐसी साइट है जहां पे आईबीसी तक तो सारी साइट्स मिलेंगी आपको. भीमबेटका, कॉमा बेलन वैली, सन वैली, SON, छोटा नागपुर प्लेट्यू इन बिहार, बेलन वैली, सन वैली, छोटा नागपुर प्लेट्यू इन बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, ईस्टर्न घाट्स इन आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया यहाँ तक. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द बोन टूल्स, जैसे कि हमने देखा कि इस दौरान बोन टूल्स भी बनना शुरू हो गए थे, यानी कि एनिमल्स के बोन्स को यूज़ करके भी उन्होंने टूल्स बनाना शुरू किया था. पर हाउएवर ये बोन टूल्स हमें सिर्फ दो ही साइड से मिले हैं, हर साइड से नहीं मिले. तो वो लिख लो, द बोन टूल्स हैव बीन फाउंड ओनली एट
only at cave sites of Kurnool and Kurnool and Muchitla Chintamani Gavi in Andhra Pradesh. Muchitla A Muchitla Chintamani SCHINTA A ki cave hai Muchitla Chintamani caves in in Andhra Pradesh. Chintamani Gavi bhi aage. In Andhra Pradesh. तो ये दो केव्स हैं आंध्र प्रदेश की कर्नूल और मुचतला चिंतामणि गावी केव द ओनली टू केव्स फ्रॉम विच दी बोन टूल्स हैव बीन रिकवर्ड बिलोंगिंग टू दी अपर पैलोलिथिक एज. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. ड्यूरिंग दिस फेस आर्ट एंड सिंबॉलिज्म फ्लरिश्ड. Cave paintings, engravings, and figurines. Emerged engravings and figurines. Emerged showcasing the innovation, creativity, showcasing the innovation, creativity, and capability of our ancestors. And capability of our ancestors. ठीक है, किसी का मिस तो नहीं हुआ पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. मॉडर्न ह्यूमंस कंटिन्यूड टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज ड्यूरिंग दिस पीरियड. एक्सपैंड देयर टेरिटरीज ड्यूरिंग दिस पीरियड. The modern human continued to expand their territories during this period. इसका एक मैप भी है आप लोगों के पास. आर्य शर्मा, आई विल गिव यू प्रिंट. ठीक है, मैप का. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लास्ट पॉइंट. द एंड ऑफ द पैलोलिथिक एज विटनेस्ड The end of the Paleolithic age witnessed environmental changes and shift in human subsistence patterns. सब्सिस्टेंस क्या होता है, हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं. तो पैलोलिथिक एज के एंड के साथ ह्यूमन का जो सर्वाइवल का तरीका था वो भी चेंज हो गया. पैटर्न्स, पहले मैन फूड गैदरिंग कर रहा था, प्रोडक्शन नहीं कर पाता था. ऑब्वियसली आइस एज खत्म होगी तो वो इनेबल करेगी. अब आगे हम देखेंगे मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक एज में कैसे प्रोडक्शन होना शुरू होगी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको. रिवाइज करना, रिविजन के बिना तो नहीं लर्न होगा. सो प्लीज़ रिवाइज, ताकि बाय द एंड ऑफ दिस वीक हम एक टेस्ट भी ले लें स्टोन एज का. ठीक है.
थैंक यू। बाकी कल हम मेसोलिथिक एज करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि नियोलिथिक भी कर दें, ठीक है? ओके, थैंक यू।